बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग क्या है। आपने पिछले इतनी सारी वीडियो में आपने कंसेंट्रेशन के बारे में पढ़ा, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, इस सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ लिया है। इसके बाद आपने स्टोकियोमेट्री के बारे में भी पढ़ा है। थ्री टाइप की है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम अपन वॉल्यूम। बट आज हम देखते हैं कि जो मोलारिटी ये सारी चीज हमने पढ़े थे, उसमें डाइल्यूशन कैसे करेंगे। क्या है डाइल्यूशन कैसे करेंगे? बच्चे आप जो यहां पे देखते हो कि डाइल्यूशन का मतलब है डाइल्यूट करना। ध्यान से सुनिए, डाइल्यूट करना। बच्चे डाइल्यूट का मतलब क्या है? आप सबको पता होगा कि डाइल्यूट क्या है, एक्यूस क्या है, वाटर क्या है, ये सारे चीज आप, ये जो टर्म से आपको जरूर पता होगी, थोड़ी ना थोड़ी पता जरूर होगी। अभी हम देखते हैं बच्चे कि डाइल्यूट का मतलब मैं समझाता हूं क्या है ना। बच्चे आप सब लोगों ने क्या किए होंगे ना, कोल्ड ड्रिंक्स तो पीते हो नहीं, कोका कोला है, पेप्सी है, इस टाइप का बहुत सारे मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स आता है। आप इमेजिन करिए कि आपके पास 100 ml का कोल्ड ड्रिंक्स है। कितना है? 100 ml की कोल्ड ड्रिंक्स है। और आपने एक ग्लास में क्या कर दिया, इसको ले लिया, एक ग्लास सपोज मैंने यहां पे लिया है, क्लियर, उसमें मैंने 100 ml का कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, क्योंकि इसको सबको पता है कोल्ड ड्रिंक्स सब लोग पीते हैं, कि नहीं? गर्मी आ जाए भाई कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए जो 100 ml कोल्ड ड्रिंक्स आपने रखा अपने लिए पीने के लिए, आपको बड़ा प्यास लग रहा है उस टाइम, आपको एक नहीं ठंडक लाने के लिए शरीर में एक नहीं क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स आपको चाहिए। लेकिन आप जैसे इसको ग्लास में डाले, आपके घर की घंटी बज गई, एक दूसरा दोस्त आ गया। क्या है? दूसरा दोस्त आपसे मिलने के लिए आ गया। जो आपके दूसरा दोस्त आ जाता है, बच्चे यहां पे देखो कि आपने क्या किया, जो 100 ml था आपने सोचा ये तो अकेला ही मुझे हो पाएगा, दोस्त के लिए क्या लाऊंगा, आपने क्या किया ना, थोड़ा सा इसको पानी मिला के दो ग्लास में कन्वर्ट कर दिया। आपने क्या किया, और 100 ml इसमें वाटर मिला दिया। क्या किया आपने? वाटर मतलब पानी, आप सबको पता है पानी क्या होता है। तो आपने 100 ml कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 100 ml वाटर मिला दिया, इसका वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों, देखो इसका वॉल्यूम क्या हो गया ना, डबल हो गया। अब 100 ml जो था कोल्ड ड्रिंक्स, अब क्या हुआ ना, 200 ml इसकी वॉल्यूम चेंज हो गया है। इसकी वॉल्यूम क्या हुआ ना, 100 से 200 ml चेंज हो गया है। अब क्या करना है बच्चों, देखो जो टेस्ट आपके दोस्त ने बोला, अरे तूने इसमें क्या मिला दिया, ये तो कोल्ड ड्रिंक की तरह नहीं लग रहे, थोड़ा पानी पानी सा लग रहे हैं, इतना मिठास तो है ही नहीं इसमें। तो बच्चे देखो, ध्यान से देखो, जो आपने 100 ml कोल्ड ड्रिंक्स लिया था और जो टेस्ट इसकी थी, अब जो आप 100 ml वाटर इसमें या पानी मिला दिया, तो इसकी वॉल्यूम जरूर बढ़ गया है, लेकिन टेस्ट इसमें क्या हो गया, कम हो गया है। जो टेस्ट कोल्ड ड्रिंक्स का था वो अभी इसमें नहीं है, या उस टेस्ट में थोड़ा बहुत कमी आया है। इसी को बच्चों हम कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं डाइल्यूशन। आपने कभी अगर नहीं ऐसा किया है, कभी एक बार घर में जरूर करके देखना है कि टेस्ट में सचमुच फर्क आ रहे या नहीं आ रहे। अगर आ रहे आप जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, सर सचमुच हमने प्रैक्टिकली करके देखा, जो आपने बोले थे वही हुआ, टेस्ट में क्या है फर्क आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब बच्चों ध्यान से देखो कि जब आप वॉल्यूम को अपने डाइल्यूशन किया है, पानी को ऐड किया है, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गया है। जो मिठास था, जो टेस्ट था, जो स्वाद था, ये सारे के सारे कम हो गया है। क्यों कम हुआ है ना बच्चे? इसकी वॉल्यूम बढ़ गया है।
अब देखो यहाँ पे वॉल्यूम 100 था और यहाँ पे 200 हो गया। बच्चे इसी से रिलेटेड हम एक चीज और देखेंगे, अगर मैं एक बीकर लिया, इसमें NaOH लिया, NaOH के आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चे, सब सबको पता है, और मैंने यहां पे लिया सपोज 50 ml और इसकी कंसेंट्रेशन वॉल्यूम हो गया 50 ml है, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है मोलारिटी में हम इसको लेते हैं मोलारिटी, सपोज इसका 0.2 मोलार है। बच्चा इसमें मैंने क्या किया ना, फिर से 50 ml वाटर इसमें ऐड कर दिया, क्या किया ना 0.2 मोलार जो था और 50 ml इनिशियल वॉल्यूम था, फिर से इसको वॉल्यूम को मैंने क्या किया ना 50 ml इसमें ऐड कर दिया। बच्चे इसी को आज मैं बताने के लिए जो है आज की जो टॉपिक है डाइल्यूशन, एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आज कुछ फॉर्मूला दो तीन फॉर्मूला के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक है यहां पे हम देखते M1V1 = M2V2। अब देखो बच्चे इस केस में NaOH जो कंसेंट्रेटेड NaOH था उसमें इनिशियल मोलारिटी कितनी थी बच्चे 0.2, वॉल्यूम कितना है ना 50 ml है। अब मैंने क्या किया ना इसकी वॉल्यूम को मतलब डाइल्यूट कर दिया, या हम कह सकते हैं कि उसमें वाटर को ऐड किया, कितना वाटर ऐड किया ना 50, अब टोटल वॉल्यूम बच्चे देखो कितना हुआ, पहले था 50 अब ऐड कर दिया 50, टोटल कितना हुआ ना 100 हुआ है। तो टोटल जो फाइनल वॉल्यूम बच्चे ध्यान से देखो कि ये हो गया 100 है। अब मुझे निकालना क्या है ना M2 निकालना है, फाइनल मोलारिटी या फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है। अब देखो M2 का अगर मैं यहां इस साइड में बच्चे रखता हूं तो ये कितना होगा 0.2 × 50 / 100, क्योंकि मल्टीप्लाई हुआ यहां के डिवाइड हो जाए कट जाएगा तो 1/2। सो यहां पे मैं लिखता हूं कि 0.2 / 2 = 0.1। बच्चे यहां पे अब जो 50 ml ऐड करने के बाद यहां पे मेरा जो फाइनल मोलारिटी कितनी हुई ना 0.1 हुआ। इट इज क्लियर, समझ आ रहे, बिल्कुल आ रहे। बच्चे यहां पे हम देखते हैं कि जैसे मैंने इसको वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.1 हुआ, मतलब इसका टेस्ट जो है वॉल्यूम बढ़ाने से कम हो गया है। क्या है ना वॉल्यूम बढ़ाने से इसकी टेस्ट में कमी आया है या इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों एक और क्वेश्चन को हम करते आइए, अगर मैं लेता हूं HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसकी मुझे 12 मोलर मैंने है और इसका वॉल्यूम मुझे नहीं पता है और मुझे दिया गया कि इसको 0.2 मोलार और 1000 ml में मुझे कन्वर्ट करना है, बट इसका कितनी वॉल्यूम लूंगा किसका HCl का जिसका कंसेंट्रेशन 12 है ताकि ये 0.2 मोलार और इसकी वॉल्यूम 1000 ml हो। तो मैं क्या किया ना V1 में कितना लूंगा, यहां पे सेम चीज बच्चों ध्यान से देखो ना 0.2 × 1000 / 2, अगर इसको मैं कहता 2/10 तो 120 हो जाएगा। सो 2 × 1000 / 120, 0 0 कट गया, 2 से कटा 6, तो बच्चे ये हो गया 100/6। आप कैलकुलेट कर सकते हो, यू आर सो जीनियस, आपको माइंड अभी शार्प है, बच्चों का माइंड क्या होता है शार्प होता है। बच्चे क्लियर हुआ, तो एक तो मैंने अभी बताया कि डाइल्यूशन बा पानी मिलाना तो उसमें कंसेंट्रेशन या वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। एक और चीज अब हम करेंगे, सिमिलरली आप कर सकते हो कि N1V1 = N2V2, आप ये भी कर सकते हो।
कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ना कर सकते हो। लेकिन बच्चों ये चीज अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक तो पहला काम क्या है, आप मोल कंसेप्ट की वीडियो जरूर देखना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगी। उसके बाद आपने मोलारिटी की देखना है, नॉर्मालिटी की देखना है, तब जाके जो चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको समझ आएगा। बट एक चीज बच्चों आपको इतना ही बस मैं बता देता हूं कि मोल था गिवेन मास अपन मोलार मास थी। अब मोलारिटी का मैं तीन फॉर्मूला बताया था बच्चों, एक तो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और दूसरी फॉर्मूला थी सिप मोलारिटी का, अगर मोल्स को मैंने जी बाय एम नॉट में कन्वर्ट करता हूं तो इनटू 1000 बाय वी इन एमएल। एक तो था, एक थर्ड फॉर्मूला थी 10xd अपन मॉलिक्यूलर मास। समझ पा रहे हो? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला को आपने क्या करना है, ध्यान से जो पिछले वीडियो में है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो इस फॉर्मूला को आप जरूर याद रखना है। बच्चे ऐसे काम नहीं चलेगा, आप डेली वीडियो देख लो और सो जाओ घर में, कोई मजा नहीं आता है। आप वीडियो देखने के साथ आपने डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी जो डेली प्रैक्टिस शीट है या एवरी जो टॉपिक है उसके ऊपर क्या है ना, उसमें क्वेश्चंस है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो इम्प्रूवमेंट आएगा। इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा ना, ऐसे ही इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इसलिए बच्चों आए एक और टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे इस टाइम, ये तो था डाइल्यूशन की कहानी है भाई, अब आएंगे मिक्सिंग के ऊपर है ना। मिक्सिंग बच्चे क्या होता है, बच्चे मिक्सिंग क्या होता है ना, कई बार आपने सुने होंगे कि हमारी जो पेरेंट्स होते हैं ना वो थोड़ा सा क्या करते हैं, हमसे ज्यादा डरपोक होते, क्या होते हैं, ज्यादा डरपोक आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो ज्यादा सिंसियर भी होते हैं ना। कैसे, कई बार हम क्या करते हैं ना, बच्चा कहीं खेलने जाता है तो ध्यान रखते हैं भाई किससे खेल रहा है, किससे बात कर रहा है, एक एक नहीं कोई गलत बच्चों के साथ या गलत दोस्तों के साथ तो मिक्स ही नहीं हो गया है। तो इस टाइप, या आपने लेमन वाटर की अगर मैं बात करूं कि आपने क्या किया ना, वाटर लिया, इसमें लेमन जूस को ऐड कर दिया, दोनों मिक्स हो गए, वाटर के साथ क्या हो गया, दोनों मिक्स हो गए। बच्चे अब इसकी बात नहीं करें, जनरल मिक्सिंग का आपको समझ आ जाता है कि मिक्सिंग का मतलब दो चीज को मिक्सअप करना, उस चीज को अभी मैं नहीं बता पे, मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के ऊपर बताने जा रहा हूं कि मिक्सिंग किस चीज का मिक्सिंग है। बच्चे देखो आपके पास एक एसिड है H2SO4 है, दूसरा है HCl है, आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। जब आप दोनों को मिक्स कर रहे हो बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको कैसे निकालें, आप कह सकते हो शायद अपने तो मोलारिटी पढ़ लिया है, नॉर्मालिटी पढ़ लिया है, कंसेंट्रेशन के बारे में सारा पढ़ लिया, पीपीएम पढ़ लिया, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया, बट ये चीज तो आपने बताया नहीं थे। ध्यान से देखो, दो एसिड H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों एसिड है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर देता हूं तो जो रिजल्टेंट जो कंपोनेंट या सॉल्यूशन बनेगा उसका कंसेंट्रेशन कितनी होगी। एक टाइप तो मिक्सिंग ये हो गया बच्चों। अब दूसरी टाइप में हम देखते हैं कि अगर मैंने H2SO4 लिया है, एसिड है, और NaOH ले लिया है, क्या है ना, एक बेस है,
और दोनों जो मिक्स कर दूंगा बच्चों क्या होगा, आपने छोटे क्लास में तो पढ़े होंगे भाई न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, छोटे क्लास 9th-10th में पढ़ाया जाता है न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट, और यहां पे जो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन क्या है ना, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव को लगा दो न्यूट्रल हो जाता है कि नहीं, क्या हो जाता है दोनों का डिस्चार्ज हो जाता है। इसी तरह एसिड और बेस क्या करते हैं ना, जब आपस में इसको मिक्स कराते हैं तब क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन होता है। ये तो बात सही है भाई न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, बट इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अब ये है सवाल। अब क्या है ये सवाल है कि भाई दोनों को तो मिला दिया, अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। थोड़ा सा ऊपर लेवल का है जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन करते इससे थोड़ा सा चीज आगे है। अब आपकी के लिए मैं एक और फॉर्मूला लेके आया हूं, वो क्या है आप ध्यान से देखिए ना, M1V1 + M2V2 = कितना ना M3 × V1 + V2। कितना आसान है, पहला हमने क्या पढ़े थे M1V1 = M2V2 या N1V1 = N2V2। अब थर्ड थिंग यहां पे हम देखते हैं कि एक अनदर फॉर्मूला आया कि मिक्सिंग के लिए बच्चों, उतर डाइल्यूशन के लिए, अब जो तीसरा है यहां पे मिक्सिंग के लिए ना M1V1 + M2V2 = M3। M1 एक कंपोनेंट का है, M2 दूसरे का है, जो तीसरा हमारे पास निकलेगा वो M3 है। V1 पहले का वॉल्यूम है, V2 दूसरे का, और दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम है। बच्चे देखो एक क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि पहला कंडीशन का होगा, दो एसिड को अगर हम लेते हैं कि 0.2 मोलार ऑफ 100 ml H2SO4 मिक्स विथ व्हाट, मिक्स विथ सपोज 0.1 मोलार 50 ml HCl। आपको सवाल अगर ऐसे आता है क्वेश्चन आते तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चे, फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या है ना, M1V1 + M2V2 = M3 × V1 + V2। आइए हम देखते हैं, अब मैंने इस फॉर्मूला में पुट करूंगा M1 ये ले लिया 0.2 इंटू V1 हो गया 100 प्लस M2 हो गया 0.1 V2 हो गया 50 = M3। मुझे निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल कंसेंट्रेशन कितनी है। तो बच्चे यहां पे M3 हो गया मेरा और दोनों वॉल्यूम को मैंने ऐड कर दिया, दैट इज 150। अब M3 बच्चे कितना होगा बताओ ना, 150 को मैं इधर लाके डिवाइड कर दू ना 0.1 × 100 प्लस 0.1 × 50 डिवाइडेड बाय 150। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चों ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 2/10, ये कट जाएगा 10, इसको मैं लिख ही देता हूं, अगर आपको दिक्कत है तो आप यहां से देख लो, 1/10 × 50 / 150। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं ध्यान से देखो, कट गया 10, कट गया 5, तो हो गया 2 × 20 + 5 / 150, दैट इज इक्वल टू 25/150 और दैट इज इक्वल टू 1/6। कितना आसान है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली बच्चे सेम चीज अगर मुझे नॉर्मालिटी में देता, सेम चीज अगर मुझे नॉर्मालिटी में देता ना, मेरे पास अगर नॉर्मालिटी में क्वेश्चन आ रहा है, अभी हम इसका कर रहे हैं ऊपर वाले की, अच्छा यहां पे देखो H2SO4 में अगर मुझे दिया है 0.2 नॉर्मल H2SO4 + 0.1
और इसका वॉल्यूम दिया 100 ml, 0.1 नॉर्मल HCl और ये दिया 50 ml, ठीक है। इसको मिक्स कर दिया तो क्या बनेगा, सेम चीज बच्चों, ना N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3 इंटू V1 प्लस V2, ऐसे निकाल सकता हूं, डायरेक्टली निकाल सकता हूं, या आपके पास दूसरा रूट है कि आप इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करो। बच्चे एक चीज आपको मैं बता दूं कि मोलारिटी और नॉर्मालिटी का कन्वर्जन क्या थी, ना नॉर्मालिटी इज इक्वल एन इंटू एन, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, तो H2SO4 में एन फैक्टर कितनी है, ना 2 है, तो यहां पे मुझे नॉर्मालिटी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोलारिटी, क्योंकि एन फैक्टर 2 है, तो नॉर्मालिटी कितने दिया है 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मोलारिटी, तो 0.1, तो आप इसको मोलारिटी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो। एक और चीज जो है, आइए हम डिस्कशन करते हैं कि जो था डिफरेंट चीज है, क्या है बच्चों, जो डिफरेंट चीज है एसिड प्लस बेस, वहां थोड़े से क्या होगी ना, थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ेगा, कंसीसियस रखनी पड़ेगी। कैसे, आपके पास अगर सवाल इस टाइप का आ रहा है कि 0.2 मोलार H2SO4 ऑफ 100 ml, इसको मैं मिक्स किया 0.1 मोलार NaOH जो कि 50 ml। अब यहां पे आपका क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है कि रिजल्टेंट जो कंसेंट्रेशन बनेगा वो कितना होगा। बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेगा यहां पे, क्योंकि आपको नॉर्मालिटी के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जरूर नॉर्मालिटी में जाइए, जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा हूं, जितनी सारी वीडियो है, लेकिन फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट है, उसकी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो है, आप वहां पे जाइए नॉर्मालिटी के जो वीडियो में क्लिक कीजिए और नॉर्मालिटी को अच्छे से देखिए, तभी जाके आप इस टाइप की जो क्वेश्चन है ना एसिड प्लस एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्व, इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले बच्चों देखो, इसको नॉर्मालिटी में हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि 0.2 मोलार अगर नॉर्मालिटी है, सॉरी मोलारिटी, तो नॉर्मालिटी में कितनी होगी, ना नॉर्मालिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलारिटी, इसका नॉर्मालिटी दिया 0.2 एन फैक्टर 2 इंटू मोलारिटी, तो ये हो जाएगा 0.1 इज इक्वल टू मोलारिटी, अब वॉल्यूम हो गया 100 ml। सिमिलरली यहां पे हम देखते हैं कि मोलारिटी दिया है, सॉरी ये कुछ आगे पीछे हुआ है, मैं एक बार इरेज कर देता हूं, इसे मोलारिटी दिया है, सॉरी नॉर्मालिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2, सो नॉर्मालिटी हो जाएगा 0.4। सिमिलरली यहां पे नॉर्मालिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू एम, तो नॉर्मालिटी हो गया एन, हो गया यहां पे 1 है, NaOH में एन फैक्टर 1 है, क्योंकि एक OH देता है बच्चों, तो 1 इंटू यहां पे मोलारिटी हो गया 0.1, तो दैट इज इक्वल टू नॉर्मालिटी इज इक्वल टू 0.2। अच्छा जब नॉर्मालिटी आ जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मिली इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। ना मिली इक्विवेलेंट का मतलब है कि ना इक्विवेलेंट वेट को मिलीलीटर जब देता है 100 ml, तो इसको कहते हैं मिली। अब हो गया मेरे पास नॉर्मालिटी हो गया 0.4 इंटू 100, ये कितना होगा ना 4/10 इंटू 100, ये हो जाएगा कट गया तो 40 मिली इक्विवेलेंट। क्लियर, अब हम देखते हैं कि यहां पर कितना मिली इक्विवेलेंट होगी, जो बेस है ना ये कितना है ना 0.2 हो गया इसकी नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम दे 50, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2/10 इंटू 50 ये हो जाएगा 5, दैट इज इक्वल टू 10 मिली इक्विवेलेंट।
बच्चे यहाँ पे आपको देखना है कि ज्यादा कौन सा है ना, ज्यादा है एसिड है जो कि H2SO4 है, जो कम है वो बेस है, दैट इज 10 मिली कुबलेंट है। अब मैं क्या करूंगा इसको ना, अगर इसका 10 है और इसका 10 है, क्या होगा ना, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बचेगा कितना ना 30। अब मैं माइनस कर दूं ना, 40 मिली कुबलेंट माइनस 10 मिली कुबलेंट अपन टोटल वॉल्यूम, दोनों का ऐड करने हो गया 30 अपन टोटल वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 100 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 150 कट गया, तो 3 अपन 15 या 1/5, ये क्या होगा ना रिजल्टेंट जो है, जो दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी क्या आएगा ना नॉर्मलिटी आएगा। ध्यान से देखो क्योंकि यहाँ पे मिली कुबलेंट है तो नॉर्मलिटी आएगा 1/5, और बट एक्सेस को ना एसिड है तो फिर नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट कर दूं तो कितनी होगी ना नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 2 × 1/5 मोलारिटी, सॉरी नॉर्मलिटी गिवन है मुझे मोलारिटी निकालने, मोलारिटी इक्वल n/2 हो जाएगा, n हो गया 1/5 डिवाइडेड 2 दैट इज इक्वल टू 1/10 दैट इज इक्वल 0.1। अब मोलारिटी कितनी हो जाएगी 0.1। तो इसलिए बच्चों आज हमने ये चीज सीख लिया है और इस चैप्टर में मुझे लगता है कि सब कुछ कंप्लीट हुआ, एक दो टॉपिक शायद बच रहा है, तो आप जरूर, और कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए, और जो मेरे जो चैनल है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जी ने, इसको सब्सक्राइब लाइक और शेयर भी दूर दूर तक करना है ताकि सब लोगों तक और सब बच्चों तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।